तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कौन सा कैरेक्टर है ग्लू वॉल गॉड। मतलब कि जैसा कि आप सभी को पता है, जो स्काइलर कैरेक्टर है वो अभी तक का ग्लू वॉल वाला सबसे बेस्ट कैरेक्टर है। लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारे गेम में एक और न्यू कैरेक्टर आ चुका है जिसका नाम है नायरी कैरेक्टर, और इसकी भी एबिलिटी ग्लू वॉल से ही रिलेटेड है। और हो सकता है आप में से कुछ लोग इसकी एबिलिटी दूसरे कोई वीडियो में देखे होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि जितना सिंपल आप इसकी एबिलिटी को सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। और इसीलिए आज के इस वीडियो में हम इन दोनों कैरेक्टर को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कौन सा कैरेक्टर बेस्ट है। मतलब कि नायरी कैरेक्टर को लेने के बाद क्या हमारा पैसा बर्बाद बहन, या फिर नायरी कैरेक्टर के गेम में आने के बाद जो स्काइलर कैरेक्टर है वो खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया। तो आपको क्या लगता है कि इन दोनों कैरेक्टर में से कौन सा कैरेक्टर जीतेगा, मतलब कि कौन सा कैरेक्टर है ग्लू वॉल गॉड? आप कमेंट करके बताएं, देखते हैं कि आप सही गेस कर पाते हैं या फिर नहीं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स बिगिन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, इन दोनों कैरेक्टर के पास दो दो करके एबिलिटी है, और इसीलिए हम इन दोनों कैरेक्टर की एबिलिटी को एक एक करके कंपेयर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम अपने स्काइलर कैरेक्टर को। तो जैसा कि आप सभी को पता ही होगा स्काइलर कैरेक्टर की एबिलिटी के बारे में कि ये एक ही झटके में 5 ग्लू वॉल तक फोड़ देता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, OB30 अपडेट के बाद आप मैप में 5 ग्लू वॉल एक साथ नहीं मार सकते हैं। मतलब कि आप जैसे ही अपना 4th ग्लू वॉल मारेंगे, जो पहला वाला ग्लू वॉल था वो अपने आप ही रिमूव हो जाएगा। मतलब कि आप जितना भी ग्लू वॉल मार ले, आपका मैप में सिर्फ 3 ही ग्लू वॉल रहेगा। लेकिन कोई नहीं, चलिए हम इस 3 ही ग्लू वॉल से स्काइलर से इस ग्लू वॉल को फोड़ कर देखते हैं कि स्काइलर जो है इस ग्लू वॉल को फोड़ पाता है या फिर नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्काइलर कैरेक्टर ने एक ही झटके में 3 ग्लू वॉल को फोड़ दिया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अब दोबारा से स्काइलर कैरेक्टर से इसी तरीके से ग्लू वॉल को फोड़ने के लिए आपको 40 सेकंड का वेट करना पड़ेगा स्काइलर कैरेक्टर की एबिलिटी को दोबारा से यूज करने के लिए। तो चलिए अब हम देखते हैं अपने नायरी कैरेक्टर को कि वो कितना जल्दी ग्लू वॉल को फोड़ पाता है। और यहाँ पर इसको देख के आप सोच रहे होंगे कि ये प्रीमिस कैरेक्टर है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये प्रीमिस कैरेक्टर नहीं है, ये वीडियो एडवांस सर्वर का है, इसलिए इसका जो फेस है वो प्रीमिस की तरह लग रहा है। लेकिन कोई नहीं, हमें तो इसकी एबिलिटी से मतलब है। तो नायरी कैरेक्टर की एबिलिटी ये है कि जब भी आप गन से ग्लू वॉल पे फायर करोगे तो ये जो नायरी कैरेक्टर है वो 25% ज्यादा डैमेज देगा ग्लू वॉल पे। मतलब के नॉर्मल कैरेक्टर के मुकाबले में नायरी कैरेक्टर से आप 25% जल्दी ग्लू वॉल को फोड़ दोगे, जैसा कि आप यहां देख सकते हो। और इसको देखने के बाद आपको पता चल ही गया होगा कि ग्लू वॉल को फोड़ने में जो स्काइलर कैरेक्टर है वो नायरी कैरेक्टर के मुकाबले में काफी ज्यादा सही है। लेकिन अभी दोनों की एक एक एबिलिटी और बाकी है, और आगे इन दोनों की एबिलिटी दिखाने के साथ ही साथ मैं आपको नायरी कैरेक्टर की एबिलिटी के बारे में एक बहुत ही मजेदार चीज दिखाने वाला हूँ, जो कि आपने इससे पहले कोई भी वीडियो में नहीं देखा होगा और ना ही आपने कभी सोचा होगा कि ऐसा भी हो सकता है गेम में। लेकिन उससे पहले चलिए हम दोनों कैरेक्टर की दूसरी एबिलिटी देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं अपने स्काइलर कैरेक्टर को। तो आप सभी को स्काइलर कैरेक्टर की दूसरी एबिलिटी के बारे में पता ही होगा कि जैसे जैसे आप ग्लू वॉल मारते जाएंगे, आपका जो एचपी अगर कम रहेगा वो बढ़ता ही जाएगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ग्लू वॉल मारने से मेरा एचपी बढ़ता ही जा रहा है। जैसे जैसे मैं ग्लू वॉल मारूंगा मेरा एचपी बढ़ता ही जाएगा स्काइलर कैरेक्टर से। उसके बाद अब हम देखते हैं अपने नायरी कैरेक्टर की दूसरी एबिलिटी को। तो नायरी कैरेक्टर की दूसरी एबिलिटी ये है कि जब भी आपका ग्लू वॉल डैमेज होगा या फिर एनिमी उस पर फायर करेगा, तो जैसे ही एनिमी फायर करना बंद करेगा तो उसके 1 सेकंड के बाद जैसे डैमेज पड़ना बंद होगा, आपका ग्लू वॉल जो है 1 सेकंड में 30% अपने आप ही रिकवर हो जाएगा हर 1 सेकंड में। मतलब कि 3 से 4 सेकंड में आपका ग्लू वॉल जो है वो वापस पहले जैसा हो जाएगा, मतलब कि जैसे उस पे कोई डैमेज पड़ा ही ना हो। और नायरी कैरेक्टर की ये एबिलिटी आप सभी को रैंक गेम में बहुत ही ज्यादा फायदा देने वाला है। लेकिन इस एबिलिटी का एक डिसएडवांटेज भी है, मतलब कि रैंक गेम में या फिर कस्टम में आप सभी क्या करते हैं कि ग्लू वॉल से घेर लेते हैं खुद को हील करने के लिए, और हील करने के
बाद कभी कभी आपको जल्दी से ग्लू वॉल तोड़कर निकलना रहता है या फिर जोन आ जाता है। तो वैसे में अगर आपके पास नायरी कैरेक्टर रहा तो अगर आप ग्लू वॉल तोड़ते हैं और अगर आप थोड़ा सा रुक जाते हैं या फिर अगर आपका गन जो है वो रिलोड पर लग जाता है तो नायरी कैरेक्टर आपका ग्लू वॉल को वापस से हील कर देगा, मतलब कि वापस से वो पहले जैसा हो जाएगा, तो आपको दोबारा से फिर से तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो ग्लू वॉल है वो तो हील नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर नायरी कैरेक्टर नहीं है। मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के लिए कोई और दूसरे कैरेक्टर से ये करके दिखा रहा हूँ कि अगर आपके पास नायरी कैरेक्टर रहा और अगर आप ग्लू वॉल को तोड़ने में थोड़ा लेट करते हैं तो ग्लू वॉल जो है वापस पहले जैसा हो जाएगा और आपको फिर से तोड़ना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम आपको नायरी कैरेक्टर से देखने को मिल सकता है। लेकिन फिर भी अगर इस नायरी कैरेक्टर की एबिलिटी को स्काइलर की दूसरी एबिलिटी से, मतलब जो एचपी बढ़ाता है ग्लू वॉल मारने पर, उसके मुकाबले में अगर कंपेयर किया जाए तो जो स्काइलर कैरेक्टर का एबिलिटी है एचपी बढ़ाना वो काफी ज्यादा इससे अच्छा है क्योंकि एचपी जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है गेम में। तो इस हिसाब से जो स्काइलर कैरेक्टर दूसरा एबिलिटी है वो भी बेस्ट है, मतलब के स्काइलर कैरेक्टर की दोनों एबिलिटी नायरी कैरेक्टर की दोनों एबिलिटी से बेस्ट है और इसीलिए जो स्काइलर कैरेक्टर है वो होता है हमारा ग्लू वॉल गॉड। लेकिन 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 जो लोग नायरी कैरेक्टर के फैन है वो उदास ना हो क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो नायरी कैरेक्टर है वो एक पैसिव स्किल कैरेक्टर है, मतलब कि इसकी एबिलिटी को आप किसी भी दूसरे टॉप कैरेक्टर्स, मतलब कि क्रोनो, वुकोंग, डीजे लोग या फिर खुद स्काइलर कैरेक्टर के साथ यूज कर सकते हो। तो आई होप ये